और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो दोस्तों दजीज कुंड ना बहुत सुंदर कुंड है, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे आप और ये महर्षि दधीच के ज़माने का कुआं है जिसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसे मोटर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और इसी से ही पानी आता है, उसमें पानी है भी आप देख सकते हैं। जब का एक तपस्वी के रूप में है, कब से ये यहाँ पे अस्तित्व में आई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हेलो दोस्तों वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग कार में हूँ, अभी हम लोगों ने मित्र मंदिर रेस्टोरेंट में नाश्ता कर लिया है। राहुल चौधरी आ चुके हैं, रानी के गाने का सत्संग करते हैं, नीला फूल बड़ा बताइए, उन्हीं के साथ में आज हम लोग पूरा दिन रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पर जो लाइक करिएगा। उसके किनारे हम लोग जो है अब गाड़ी में बैठ चुके हैं नाश्ता पानी करके, और अब हम नीमसार के लिए जा रहे हैं, पर नीमसार नहीं बताया गया, पहले हम लोग मिश्रिक जाएंगे, और मिश्रिक जाने के बाद में आगे जो है देखते हैं क्या होता है। ये हमारे सब भैया लोग सब लोग बैठे हुए हैं, और महाराज जी हमारे जो हैं बहुत स्पीड में आए हैं। आप अब क्या कहना आप चाहेंगे? कृपा या अनुपम कृपा है, जो ना चाहते हुए जो नहीं जाता उसको भी खींच लेती है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बड़ा आनंद हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है। आज मिश्रिक दधीच महाराज जी के दर्शन करेंगे जी, और उनकी तपोस्थली है श्री दधीच महाराज जी। अच्छा, हम लोग के बहुत पुण्य उदय हुए हैं जी, किसी संत महात्मा के जो है दृष्टि बड़ी है, इस कारण से हम नैमिष शरण पहुँच पाएंगे जी। हम लोग को लगता है कि सहज की हमारे पड़ोसे में है, अरे चाहे जब गाड़ी उठा पहुंच जाए, मगर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। नदी जी अच्छा लग रहा है, हम केवल एक बार गए, बताइए हम 40 साल के। हाँ हम भी एक ही दो और संत शरण से ही गए थे, उनका प्रोग्राम बना था कि दधीजी कुछ भी चलना जी, तो हम भरे सीजन गए थे 31 तारीख को, तो काफ़ी जो है हमारी तरह से कोयला भी पड़ रहा है देख लीजिएगा, और ये सब दिखाई पड़ रही है हमारी गाड़ी जो है, आगे बस चल रही है। और नैमिष में हम आ चुके हैं दधीच कुंड नैमिष, और ये रास्ता है, और इस रास्ते से अभी हम लोग अंदर जाएंगे, और ये गेट है आप देख सकते हो, ये देखिए गेट है, और ये देखिए ऑटो जा रहा है, तो ऑटो से हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे दधीच कुंड। बने रहिएगा ब्लॉग में, और चैनल पे नए हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और हम लोग दधीच कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सब हमारे मंडली के लोग हैं और रुके हुए हैं। वाह बहुत सुंदर नज़ारा है, आपको दिखाते हैं, अब दो मिनट वेट करिए बस। तो दोस्तों दधीच कुंड ना बहुत सुंदर कुंड है, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, गर्मी में तो और भी अच्छा लगेगा, ठंड में है तो हम लोगों ने आचमन नहीं करा, नहाया नहीं यहाँ पर है, और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बताइए इसके बारे में, इस वृक्ष के बारे में बताइए। अच्छा इस जगह के बारे में बताइए, आप बताइए महाराज जी इस जगह के बारे में कुछ। श्रीराधे कुंड की मतलब महत्ता ये है कि यहाँ महर्षि दधीच ने अपने अस्थियों का दान किया था
सतयुग से भी पहले की बात है, जब एक वृत्तासुर नामक राक्षस था जिसका वध जो है वज्र द्वारा हो जाता था और वज्र का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो जो जिस चीज़ से निर्माण हुआ वो महर्षि दधीची से। तो इंद्रदेव ने याचना करी कि आप अपनी अस्थियों का दान करें जिससे वज्र का निर्माण हो और सृष्टि की रक्षा के लिए उस राक्षस का वध हो सके। जी महर्षि की ये कृपा थी कि उन्होंने कामधेनु से याचना करी कि उनका शरीर जो है चाट के वो विलीन कर दें और उन जो बची हुई अस्थियों से वज्र का निर्माण हो जिससे उसे वध हो, और यही हुआ और उस राक्षस का वध हुआ। और तभी से ये जगह विख्यात है, यहाँ पर महर्षि दधीच का आपका एक तपस्वी के रूप में है। कब से ये यहाँ पे अस्तित्व में आई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वही कि कल्पों के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, तो उस प्रकार से ये है समय अनुसार चीज़ें बदली और यहाँ पे जय हो श्री राधे। राधे श्याम, इस जगह के बारे में बताइए और आज हम संगत के साथ में आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ राधा जी के परम रसिक राहुल चौधरी जी हमारे साथ हैं, तो हम तिल सेवन कर रहे हैं जी। इस समय हम लोग दधीची कुंड आए हुए हैं, तपोस्थली रही और यहाँ की भूमि की बहुत महिमा है, यहाँ पे भजन जितना ज़्यादा भजन किया जाए उतना ही यहाँ पे बहुत आनंद आएगा। राधे राधे, कैसा लग रहा है आपको संगत में आके? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत देखिए तब, राधे राधे। तो दोस्तों हम लोग ना दधीची कुंड में हैं और इसके बारे में हम लोगों ने विकास भैया से जाना, आकाश भैया से भी जाना, हमको तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हुए हैं और अगर कुछ नया कुछ जानेंगे तो आपको भी बताते रहेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे। और ये महर्षि दधीची के ज़माने का कुआं है जिसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसे मोटर लगा हुआ है आप देख सकते हैं और इसी से ही पानी आता है, उसमें पानी है भी आप देख सकते हैं, चमक दिख रही होगी आपको पानी की। बताइए सर, यहाँ से जो है जल निकाल के जो है आज लोग सुबह सुबह स्नान किया करते हैं। नहीं पानी है ये जाल भी आज का नहीं है, ये जाल तो लेटेस्ट है। और दधीची कुंड जो है ना वो काफ़ी बड़ा प्लेस बना हुआ है, यहाँ पे बैठने के लिए सीटें भी हैं, अगर कभी कभार जब भीड़ मेला लगता है तो यहाँ पे भीड़ होती है तो यहाँ पे आप हड़बड़ी नहीं होगी, आराम से बैठ के आनंद ले सकते हैं इस जगह का और भजन संध्या भी कर सकते हैं। तो यही सब था यहाँ पे और चलते हैं दूसरी प्लेस पे, आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे साथ में रसिक भक्त हमारे श्री राहुल चौधरी जी भी साथ में हैं और ये सब तीर्थ स्थान साथ में घूम रहे हैं और उन्हीं के साथ हम लोग आनंद ले रहे हैं। हम लोग जो है दधीची आश्रम आए हुए हैं और यहाँ पे सब लोगों ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग जो है नेम सारे के लिए जा रहे हैं और दधीची महाराज की जय हो और राधे राधे जय श्री कृष्णा। और ये सब जो है मंदिर का सब हमारे आकाश यूट्यूबर हैं, वो सब देख रहे हैं, उनका भाई चैनल और देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तुम्हारे गाना बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है। और आगे से आगे इनको जो है परमात्मा जो है उनकी बहाए और आप लोग जितना भी बढ़िया करेंगे उतना इनकी भी सेवा रहेगी, आप लोग जब करेंगे तो इनकी सेवा होगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब हम लोग जो है इसके बारे में हमारी बस नीम सार के लिए जाएगी, वहाँ कीर्तन होगा।